YouTube पे एक मेरा चैनल है द UK07 राइडर करके कि BR बाइकर सामी की, क्योंकि BR बाइकर सामी और आमिर माजिद मिले हुए थे। अच्छा, लेकिन इस चीज़ का मुझे इनिशियली कुछ आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। BR बाइकर सामी ना मेरा दोस्त था, उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे को नेपाल घूमना है, तो मैंने कहा चल ठीक है यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तू भी नेपाल घूम लियो। आप लोग ही मतलब जज करो कि बंदा मेरे को नेपाल में लेके आया एंड बर्थडे वाले दिन क्या हुआ, यू नो ही वाज टॉकिंग टू आमिर माजिद और मुझे इस चीज़ की भनक लगी कि वो आमिर माजिद से बात कर रहा था। तो मैं नॉर्मली उसके पास गया, मैंने कहा भाई व्हाई यू टॉकिंग टू हिम। एक्चुअली गाइस BR बाइकर सामी मेरी और सव्या की पर्सनल चार्ट्स, पर्सनल वीडियोस सब आमिर माजिद को सेंड कर रहा था, क्योंकि आमिर माजिद को जस्ट एक रीजन चाहिए था हम लोगों को हिट करने का। मेरे पास सारे प्रूफ है, कल के जो बात है ना सबका सब रिकॉर्डेड है, ठीक है रिकॉर्डेड है ना। मैं आराम से मैं सही टाइम पे छोड़ूंगा वो। आमिर से भी ऐसा ही चीज है, हुआ था मेरे को इसीलिए। और चीनी चोर कौन है कि बर्थडे में तू खिलाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड नहीं कर पाऊंगा मैं मैंने बोला है। और ब्रेकफास्ट का तो मैं शाम तक का ही खाऊंगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आपके 5 स्टार होटल ये है सव्या का एक्चुअल रियलिटी करने का। एक्चुअली जब मेरे को पता लगा कि BR बाइकर सामी ने ना आमिर माजिद को हमारी वीडियोस, हमारी ऑडियोज, हमारे पर्सनल मोमेंट्स सब आमिर माजिद को शेयर करें, जस्ट कि वो हम लोगों को YouTube पे एक्सपोज कर पाए। और तो आमिर माजिद को, उस इंसान को जिससे मेरी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसको सारी वीडियोस एंड ऑडियोस भेज रहा है एंड इस चीज का प्रूफ भी गाइस मेरे पास है। मेरे को सामी ने एक वीडियो भेजा था, तो मैं वीडियो दिखाता हूँ। मेरी और सामी की चैट है यहाँ पे, ठीक है रुको, ये देखो। प्रूफ नहीं करना है मेरे को दिखाना है। एग्जैक्टली देखो आया है और मेरे पास सारे प्रूफ है, कल की जो बात है ना सब। तो यहाँ पर आमिर माजिद क्लियरली एक्सेप्टेड दैट कि BR बाइकर सामी, सव्या और मेरी वीडियोज उसको भेज रहा था। तो इस बात को लेकर के ना BR बाइकर सामी से ना मेरा झगड़ा हो गया कि मैंने कहा भाई तू मेरी और मेरी बंदी के पर्सनल मोमेंट्स या फिर हमारी रूम कॉन्वर्सेशन क्यों उसे फॉरवर्ड करा, जब तेरे को पता है कि वो बंदा कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट यूज करेगा। वो मेरे को अननोइंगली रिकॉर्ड कर रहा था ये सोच करके कि फ्यूचर में कभी इससे लड़ाई होगी तो ये इसकी और मेरी लड़ाई वाली वीडियो मैं ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा एंड फिर मैं इसे एक्सपोज कर दूंगा। गाइस दिस इज नॉट एक्चुअल एक्सपोज, दिस इज ऑनलाइन हरासमेंट, दिस इज साइबर बुलिंग। गाइस बर्थडे के दिन कहाँ लिखा है कि फ्री में खिलाएगा, कहाँ लिखा है कि ये खिलाएगा आपको? क्या बर्थडे के दिन कोई नहीं खिलाते। अच्छा लेते हैं, नेपाल का ये कल्चर है, हम लेते हैं। मैंने नहीं आपका कलकत्ता का है आपका, हाँ क्योंकि साव्या ने पे करा बेबी नहीं, जिसने भी पे किया इनका पैसा मेरा पैसा मिस। अनुराग ने मेरे से क्या बोला था? तुम बीच में क्यों आ रही हो अनुराग? तुम मेरे बात आऊंगी ना आप क्या? अनुराग तो मेरे को बोला था ना कि बर्थडे के दिन भाई मेरे ऑल एक्सपेंसेस माइन। लोग इतना ज्यादा मेरे को हैरेसमेंट किया ना क्या बताऊं, मतलब ये लोग ऐसा मतलब कर रहा था ना कि मेरे को मार ही देगा ऑलमोस्ट। मैं चुपचाप बैठा हुआ था बिस्तर पे और ये लोग मेरे ऊपर आके चढ़ रहा था। तो आप लोग वीडियो देखो बस और जज करो। तुम बर्थडे के दिन पैसा मांग रहे हो मेरे से और मेरे को बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। बात ही नहीं करना है, ठीक है, बात ही नहीं करना है, ठीक है भाई मैं नहीं आया, तुम लोग आए मेरे पास। बड़ा हरामी हो बेटा। गाइस मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ व्हाट सव्या एंड मी राइट नाउ एट गोइंग थ्रू। जब मैं आज ही नेपाल से देहरादून वापस आया हूँ एंड रास्ते में ना मैंने अपलोडेड द वीडियो कि भाई UK07 राइडर एक्सपोज हो गया, मेरे से लड़ाई कर रहा था। गाइस हमने उस पूरी वीडियो में कोई गाली, रुको जरा सबर करो, हम तेरे साथ कोई मैटर बढ़ाना नहीं चाहते, सही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तेरे साथ कंट्रोवर्सी हो, तू भी नाम है, क्योंकि देख हमारे पास वी हैव गॉट एवरीथिंग व्हाट वी नीड टू स्पीक फॉर, सही है भाई। तो हम तेरे से एंड से भी एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर हम तेरे को बस इतना बोल रहे हैं कि तू तो अगर फ्यूचर में अगर हमारा नाम कहीं से भी नेगेटिव गया सामी, तो फिर बी रेडी फॉर इट कि हम भी वी विल पे यू बैक। हम और मैं धमकी नहीं दे रहा भाई, बस मैं तेरे को बता रहा हूं धमकी हो रहा है भाई, गाली नहीं दी, हम उससे प्यार से ये समझा रहे थे मारो मुझे मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो इसकी। भाई तूने हमारी वीडियोस, तू हमारी लोकेशन, हमारा पर्सनल मैटर आमिर माजिद को क्यों लीक करा है? बहुत तेज हो रहा है। कोई एक ऐसा बंदा जो मेरी प्राइवेसी किसी और को लीक कर रहा है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी कि मैं उससे बोलूंगा आजा भाई मैं तेरे को चल वापस इंडिया लेके जाता हूँ। गाइस हाँ ये अपने गर्लफ्रेंड के लिए दोस्तों को मतलब अकेला छोड़ दिया, गाइस नेपाल में लेके आया मेरे को, उसके भरोसे में मैं गया था, फर्स्ट टाइम नेपाल विजिट करवा था, करा मैंने एंड उसके बर्थडे के बाद वाला दिन ही बोल रहा है कि तू वापस निकल जा, घर चला जा इंडिया। हम लोगों को अपने दोस्त से भी बच के रहना चाहिए। एक रूम में अगर मैं दारू भी पी रहा हूँ, अगर मैं सिगरेट भी पी रहा हूँ ना गाइस, तो हम लोगों को ये कॉन्शियस होकर सोचना पड़ेगा कि भाई ये बंदा मेरे को रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगले दिन अगर लड़ाई बचेगी तो ऑनलाइन वीडियो डाल दो UK07 राइडर एक्सपोज, क्योंकि उसके नाम से व्यूज आएंगे, क्योंकि उसके नाम से सब्सक्राइबर्स आएंगे। प्लस मुंबई का निखिल का तो चैनल डेड है, ठीक है, इसका तो व्यूज ही नहीं आता है। 3 मिलियन का चैनल है, इसमें तो बस 3 लाख 4 लाख ही व्यूज आता है। एंड गाइस जेएस फिल्म्स के बारे में भी उसने सेम चीजें बताया कि ये जेएस फिल्म्स अपने आप को खुद को इंडिया का सबसे बड़ा मॉडल व्लॉगर समझता है, बट उसका तो व्यूज ही नहीं आता है। मतलब ये ना, मतलब सारे क्रिएटर्स को ना व्यूज के हिसाब से जज करता है। Savya and me are going through right now is like online harassment। मतलब Savya को लोग रेप थ्रेड्स दे रहे हैं, Savya को लोग बोल रहे हैं कि एक रात का तू कितना चार्ज करती है, आजा मेरे साथ सोने के लिए, तूने नेपाल का बदनाम कर दिया। बात हुआ कि मैं लीगल एक्शन लूंगी, ये सब होंगे, तो वो डर के अपने वीडियो अपने साइड में रख के वो ना भाग गए। और गाइज मैं बीइंग अ गर्ल ये पूछना चाहती हूँ कि तो गाइज आप लोगों ने देखा कि ये लड़की हंस रही है। क्यों हंस रही है? अगर मैंने उसके साथ गलत किया है, गाली दिया है, तो वो हंस क्यों रही है? क्योंकि गाइस फेक स्टोरी ना कभी एक साथ बोला नहीं जाता, इसीलिए इन लोगों ने इतना ज्यादा वीडियो में कट लगाया भाई। तो ये Savya ना इंस्टाग्राम में वो स्टोरी डाल के FIR का चीजें बता के ना मेरे को डराने का कोशिश कर रहा था। बट गाइस ऐसा ना कि हम लोग डरने वाले नहीं है, बिकॉज हमने ना किसी का बुरा नहीं किया, हम अपना हमेशा राइट पूरा करते हैं। गाइस एक चीज बता रहा हूँ कि हम लोगों ने कुछ गलती किया नहीं है, तो हम लोग डरेंगे नहीं, पहली बात के नाम से ही जानते हैं गाइस। एंड आई विल बी ऑनेस्ट गाइस, हम लोगों से ये सब चीजें नहीं झेली जा रही है, इसीलिए हम पुटिंग एट एन IGTV वीडियो। मुझे ऐसा लगता है गाइस अगर दोस्त में लोग आकर के ये सब चीजें करने लगे ना कि भाई आज तेरी काम किया है, ये सब चीजें मैं इंडिया वापस आके डालने वाला हूँ। इसीलिए ना इसने ना एक एक्सपोज वीडियो ना पहले डाल दिया। ऑडियंस तो पागल है नहीं, ऑडियंस को क्या पता नहीं चलेगा कि भाई एक राइटर के साथ गलत हुआ, दूसरे के साथ भी गलत हुआ। नेपाल में बस जा, क्योंकि तुझे ना इंडिया से ज्यादा नेपाल के लोगों से प्यार है, क्योंकि तू बता रहा था ना कि नेपाल के लोग ज्यादा सपोर्टिव है इंडिया से, जहाँ से जन्म लिया है। तू उसी कंट्री को बोल रहा है कि वहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि हम लोग इंडियन सपोर्ट नहीं करते। अगर हम लोग इंडियन सपोर्ट नहीं करते तो तेरा 1 मिलियन नहीं होता।